अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास, होप सो यू आर फाइन। ओके बेटा, आज हमारा डे सेवन स्टार्ट हो रहा है। स्टेटमेंट है, सॉल्व द प्रॉब्लम राइटिंग कंप्लीट स्टेटमेंट। सो बेटा, हमें यहाँ पे एक साइड पे डेट दी गई है, सेकंड है बिगिन स्विमिंग एंड फिनिश स्विमिंग। सो बेटा, यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चे स्विमिंग करेंगे, वो डेट थी 10। तो उन्होंने जो बिगिन स्विमिंग जो जहाँ से उन्होंने स्टार्ट की, और फिनिश स्विमिंग जहाँ पर उन्होंने जिस टाइम पे स्टॉप की, तो बेटा बच्चों ने 3:30 बजे 3:30 पे 3:30 PM पे उन्होंने स्विमिंग स्टार्ट की और 5 PM पे उन्होंने स्टॉप की। सो बेटा, इनका जो उन्होंने दरमियान का टाइम स्पेंड किया था, वो टाइम कितना था? 1 hour and 30 minutes। उन्होंने 1 hour 30 minutes टाइम स्पेंड किया। नेक्स्ट कह रहे हैं कि 5 PM से 6:15 PM, सो बेटा इनके जो दरमियान का टाइम है 1 hour 15 minutes है। नेक्स्ट कह रहे हैं 4:40 PM टू 6:20 PM, सो बेटा इनका जो दरमियान का टाइम है वो है 1 hour and 40 minutes। नेक्स्ट कह रहे हैं कि 5:40 PM पे उन्होंने स्टार्ट किया और 6:35 PM पे स्टॉप किया। सो बेटा, इनका जो दरमियान का टाइम है 55 मिनट है। कितने हैं? 55 मिनट्स हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं 6:20 PM पे उन्होंने स्टार्ट किया एंड 6:42 PM पे स्टॉप की। सो बेटा, इनका जो दरमियान का टाइम है वो है 1 hour and 17 minutes। बेटा, इनका दरमियान का टाइम हमें कैसे पता चलेगा? कि बेटा, जब हम इनके टाइम को आपस में माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उन्होंने कितना टाइम स्पेंड किया। जैसे 3:30 था और 5 था, तो 3 और 5 लगा ली, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 है। सो बेटा, यहाँ पे 1 hour होता है, 1 hour होता है। लेकिन ये जो 30 मिनट हमने यहाँ पे स्टॉप किया, तो वो 30 मिनट हम साथ ऐड कर देंगे, तो इस तरह से 1 hour and 30 minutes हो जाएगा। बेटा, जो नेक्स्ट रहते हैं वो आप लोगों ने खुद करना। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।